प्यारे छात्रों, दावा के संदर्भ में देश के किन किन लोगों का क्या क्या योगदान है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और फैसला लीजिए छात्रों के देश के विकास में किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया है और वो देश से क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक अपना दावा पेश करते हैं कि हम कौम के नौ नहालों को शिक्षित करके देश का बड़ा विकास करते हैं, देश की बड़ी सेवा करते हैं। तो वहीं पर चिकित्सक ये दावा करते हैं कि हम देशवासियों की जान बचाते हैं, तो प्रमाण पत्र हमें ही मिलना चाहिए। उसके बाद व्यवसाय अपना दावा पेश करते हैं, इंजीनियरिंग अपना दावा पेश करते हैं कि हम देश की सेवा करते हैं, रहने के लिए ऊंचे ऊंचे मकान बनाते हैं, एक दूसरे से रابطہ कायम करने के लिए पुल बांधते हैं और लोगों का सफर आसान करते हैं, तो हम देश के सबसे बड़े सेवक हैं। वहीं पर किसान अपना दावा पेश करता है। किसान कहता है कि हम देश की आर्थिक उन्नति के अंदर हमारा सबसे बड़ा योगदान है, हम जमीन का सीना चीरते हैं और देशवासियों के लिए अनाज उगाते हैं, इसलिए हमारा योगदान बड़ा है। तो छात्रों, वहीं पर नेताजी आते हैं और नेताजी कहते हैं कि हमारे बगैर देश का विकास संभव है क्या। नेताजी अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम हैं तब तक देश का विकास हो ही नहीं सकता। सब लोग, शिक्षक, इंजीनियर, किसान, व्यवसायी, डॉक्टर्स, सब पीछे हटते हैं और कहते हैं कि सही बात है, नेताजी के बगैर देश का विकास हो ही नहीं सकता। तब छात्रों एक आवाज आती है और वो आवाज ये कहती है कि लाल सिंह, तनिक तुम अपनी बात नहीं रखोगे। तब प्यारे छात्रों, लाल सिंह बड़े फक्र के साथ ये बात पेश करते हैं कि अब हमारे पास कोनो चीज बचाई नहीं है, तनिक हम पहले ही अपने देश के लिए हमारे तीन बेटे हम पहले ही शहीद कर चुके हैं, तनिक हमारे पास अब देश के विकास के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो छात्रों, लाल सिंह जी एक फौजी है और इन सब शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर्स, किसान, व्यवसायी, नेताजी, इन सब के ऊपर अगर आप फैसला लीजिए कि इन सब के ऊपर अगर कोई बड़ा है जिसे देश के विकास के लिए प्रमाण पत्र दिया जाए, तो ज्योति जैन जी का कहना है कि ये काम जो है एक सैनिक को दिया जाना चाहिए। तो यहीं पर आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, पूरा देश सोचेगा कि जो देश के रक्षक होते हैं वही देश का विकास करते हैं।